फर्स्ट T20 मैच जो ही खेला जाएगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच, आपको इस इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, सबसे खास बात आपको इस पर्सनल मैच परीक्षण में बताएंगे मुझे क्या लगता है दोनों टीम कौन सी टीम जो इस मैच को जीत सकती है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली बात देख लेते हैं ना, तब कुछ मैच के बारे में कोई और दूसरी देने जो जो नहीं पड़ती वीडियो को जो उससे पहले अभी तक जो है इस वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बैल को प्रेस कर लो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने चैनल के बारे में, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, सबसे बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि पता है किसी मैच जितने हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना मायने रखता है। अगर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, इन दोनों टीमों की भी जो लास्ट के 10 T20 मैचेस जो खेले गए हैं, आपको बता दूं कि 4 मुकाबलों में जो केवल जो इंडिया की टीम को जीत मिली है, वही 6 T20 मुकाबले जो है साउथ अफ्रीका की टीम जीती है इंडिया से। आपको बता दूं इन दोनों टीमों के भी जो लास्ट T20 मैच खेला गया तो खेला गया था 22 सितंबर 2019 के, यानी कि बहुत दिन पहले, जिस मैच में हुआ गया था टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो है 134 रन बना दिए, केवल अपने 9 विकेट खोए। जब साउथ अफ्रीका की टीम जब इसका पीछा करने होती, साउथ अफ्रीका की टीम जो 16 ओवर 5 गेंदे खेली 140 रन बना दी और केवल अपने 1 विकेट खोई, पर नाउ साउथ अफ्रीका की टीम जो इस मैच को जो 9 विकेटों से जीत गई। लेकिन लास्ट मैच जो इंडिया टीम हारी थी ना, वो कौन इंडिया की टीम नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है जीत कर आ रही है। अगर बात करें दोनों टीमों की लास्ट मैच की, तो आपको बता दूं इंडिया अपना लास्ट T20 मैच जो श्रीलंका के साथ खेली थी, जिस मैच में हुआ गया था श्रीलंका की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो है 146 रन बना दी और केवल अपने 5 विकेट खोए। जब इंडिया की टीम जब इस टारगेट को पूरा करने उतरी, तो इंडिया की टीम जो 16 ओवर 5 गेंदे 148 रन बना दी और केवल अपने 4 विकेट खोए, परिणाम इंडिया की टीम जो इस मैच को जो है कितने 6 विकेटों से जीत गई और श्रीलंका की टीम इस मैच को हार गई। साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की टीम लास्ट मैच इंग्लैंड जैसी टीम से साथ खेल के आ रही है, जिस मैच में हुआ है साउथ अफ्रीका की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो है 189 रन बना दिए, केवल अपने 2 विकेट खोए। जब इंग्लैंड की टीम जब इस लगा पीछा करने उतरी, तो इंग्लैंड की टीम जो 20 ओवर में जो केवल 179 रन ही बना पाए, अपने 8 विकेट खो दिए, परिणाम स्वरूप साउथ अफ्रीका की टीम जो इस मैच को 10 रनों से जीत गए। दोनों टीमें लास्ट T20 मैच जो है जीत कर ही आ रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, तो आपको पता लगी रहा हो कौन सी टीम जो बाजी मारती दिखाई दे, हेड टू हेड रिकॉर्ड के नजर साफ साफ कौन साउथ अफ्रीका की टीम जो बाजी मारती दिखाई दे रही है। बट आप अगर ध्यान रखना, किसी मैच में जो हेड टू हेड रिकॉर्ड मायने और बहुत सारे रिकॉर्ड तो मायने रखते हैं, और इस मैच में कुछ अलग भी होना है। क्या अलग होने वाला है वीडियो को बस पूरा जरूर से देखो, आप लोग खुद पर खुद आपको पता लग जाएगा। ये बात कर लेते हैं इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में, पिच की बात करते हैं, ये जो मैच है अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर इस स्टेडियम की पिच की बात करें ना, तो इसमें पिच पर फर्स्ट टीम को एवरेज को 56 के आसपास देखने को मिल सकता है, वही सेकंड इनिंग में आपको T20 में आपको एवरेज को 145 के आसपास का देखने को मिल सकता है। वही आपको पता है इस सिस्टम में लास्ट के 6 T20 मैचेस खेले गए हैं ना, तो 50% मैच जो है पहले बैटिंग करने टीम, 50% मैच जो चेस करने टीम, 3 मैच जो पहले बैटिंग करने टीम, वही 3 मैच जो चेस करने टीम जीती है, कि मामला यहाँ पे जो 50-50 का ही रहता है। वही आपको बता दूं इस स्टेडियम में लास्ट जो T20 मैच खेला गया था ना, आपको बता दूं कि इस स्टेडियम में पिच पे पिछले कुछ समय में ज्यादा जो इंटरनेशनल मैचेस T20 के जो नहीं खेले गए हैं, ठीक है। आपको बता दूं यहाँ पे जो है लास्ट जो मैच खेला गया था, जो बड़ा मैच था इसमें, वो खेला गया था IPL का मैच, खेला 2021 में, ठीक है, 2 मई को ये मैच खेला गया था इस स्टेडियम में अरुण जेटली के, जिस मैच में जो पहले बैटिंग करने राजस्थान रॉयल्स, इस मैच में पहले बैटिंग करी थी और जीत गई थी। रिकॉर्ड देखे इस स्टेडियम में, मुझे ऐसा लगा इस स्टेडियम में ज्यादातर मैचेस जो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है। बट आपका ध्यान रखना, इसमें जो भी टीम जो टॉस के जीतूगा वो चेस करने का फैसला लेते दिखाई दे सकती है, क्योंकि दोनों टीमों को जो चेस करना ही पसंद है, चाहे इंडिया की टीम हो चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, दोनों टीमों ये टक्कर का मुकाबला जो होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा मुकाबला देखने में। चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग के बारे में, कैसी है उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। दोनों टीमों की प्लेइंग की बात करें, तो दोनों टीम जो प्लेइंग आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट जो ले सकते हो। बता दो इंडिया बात कर लेते हैं पर्सनल मैच परीक्षण, उससे पहले आप जरा देख लो कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ज्वाइन किया कि नहीं किया, नहीं किया तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको जो है मैच का फाइनल अपडेट हो गया है, या मैच परीक्षण बिल्कुल फ्री में, टॉस परीक्षण बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है, और मैच शुरू होने से पहले टॉस पे हो गया, मैच पे होगा, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, ये सारा कुछ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बहुत सारे फायदे, आप जरूर से ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। बात करें पर्सनल मैच परीक्षण, बता दो रिकॉर्ड स्टैट्स को देखने के बाद, जहां तक मुझे लगता है इस मैच में कौन आपको इंडिया की टीम जो इस मैच को जीतती हुई दिखाई दे सकती है। बट आपका ध्यान है, ये मेरा मैच का फाइनल अपडेट जो नहीं है, मैच का फाइनल अपडेट आपको मैच शुरू होने से पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पर मिलेगा, ब्लू कलर का लिंक होगा, सिंपली आपको लिंक पर क्लिक करना है और जाकर आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है। लेकिन उससे पहले आप जरूर से देख लेना आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप है या नहीं, नहीं तो जाकर प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लेकिन जाने से पहले टेलीग्राम पर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।